बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास एक और टॉपिक है मैथ्स का, इंडिसेस। ये अलजेब्रा का पार्ट है और एनबीएस के टेस्ट में इसके मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, तो देखते हैं इसको। अच्छा, इसके काफ़ी सिंपल से रूल्स हैं, तो इसको देखते हैं। पहले वाले को देखते हैं कि अगर बेसिस आपके सेम हो ना, तो जो आपकी जो पावर है वो ऐड होते हैं, ठीक है। मतलब कि इस तरह से के 2 3 2 2। अब इसमें देखें तो जो बेसिस है हमारे पास वो सेम है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से 1 लिखेंगे और जो पावर है उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। 3 + 2, तो इसका जो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास पावर जो है वो सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो, तो वो फिर किस तरह से होगा। इस ऐसे की 3 + 2, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इनमें से एक को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो 2 3 6, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग दूसरे को देखेंगे, ये जो है 2 और 5 2 और 4, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा 2 5 - 4। जब डिनोमिनेटर से आप ऊपर इसको ले जाते हैं ना, तो ये जो है वो माइनस होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 1 या फिर 2, ठीक है भैया। अच्छा, अब ये तीसरे वाले को देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 और 3, तो इसका इस तरह जाओगे, ये 2 है, और जो दो नंबर है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 3 6, तो इसका इस तरह से आएगा, ठीक है। और एनीथिंग इन पावर, पावर ज़ीरो, जो पावर में ज़ीरो होगा, तो वो पूरा जो नंबर होगा ना वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 2 के। अगर ये इस तरह से है ना, तो ये जो पूरा नंबर है ना, ये इक्वल होगा 1 के। तो इस तरह से इसके कुछ आसान से रूल्स, ये समझने ज़रूरी है, इसके अंदर ही मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छा, तो ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके ऊपर ये जो है 2x ऑल की पावर 3, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो क्यूब है ये सिर्फ x या 2 के ऊपर नहीं, ये दोनों के ऊपर है। जिस तरह से हम लोगों ने उसको दूसरे फार्मूले में किया था ना, कि जो अंदर वाला और बाहर वाला जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, जैसा कि इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 2, इस तरह से। तो इसका जो है 2 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है। अब 2 3 टाइम जो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, और x क्यूब, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर इस तरह से होगा ना कि √3, तो ये हमारे पास इक्वल क्या होता है, ये 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो और अगर इस तरह से होगा कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 1/2, तो वो क्या होगा, वो √5 के इक्वल होता है। मतलब ये इस तरह से भी मतलब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा एक है कि अगर ये इस तरह से हो 3 - √2, तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने रूल में भी देखा ना कि जो डिनोमिनेटर है, अगर इसका जो पावर है ऊपर जाएगा तो वो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह देखें। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये 32 उसके जो पावर में 1/5 है, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि ये हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो 2 को अगर हम लोग 5 टाइम करेंगे ना, तो 32 आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग सीखें स्क्वायरिंग, और जो क्यूब होता है ना हर एक का, वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसको देख लेते हैं, तो 3 को अगर हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 27 आएगा, तो 3 और 1/3, तो कैंसिल आउट और इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी है।
आते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग क्यूब्स और कम से कम 10 तक जो 1 to 10 जो है क्यूब्स और स्क्वायर हम लोग देखें। ऐसे देख लेते हैं, इस तरह के भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि वो होल की पावर ना 16x उसकी पावर में 12 और होल की पावर 3/4। इसका मतलब है कि 3/4 इसके साथ भी तो हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ भी 3/4 है और 12 इसके साथ भी 3/4 है। अच्छा, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो 4 अच्छा 2 को हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 16 आएगा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ठीक हो गया। तो 2 की पावर 4 बाई 3/4 x की पावर 12 डाट 4 ठीक हो गया। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 1 4 4 3 12 और 3 3 9 तो 2 की पावर x की पावर 9। अब इसको हम लोग देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 उसका 8 आएगा, तो 8 x की पावर 9 ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, 32√2 इज इक्वल टू 2 पावर 8 देन फाइंड 8 हो गया। अब हम लोग इसमें ऐसा क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, हमें पता है 32 जो इक्वल है वो 2/5 है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि √2 ये हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 2a। अब हमारे पास इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो गया कि हमारे पास जो बेसिस है वो सेम है, ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, तो 5 + 1/2 इज इक्वल टू a। एलसीएम लेंगे हम इसका, तो 2 LCM है, ठीक है। 2 5 = 10 +1 इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू a। अच्छा, ये एक लास्ट वन देख लेते हैं। इस टॉपिक में से इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बस ये रूल जो स्टार्ट में दिखाए थे वो अगर कर लोगे तो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, इसको देख लेते हैं, 8 / 5/3 ठीक हो गया। अब हम लोगों ने 8 को जो है वो थोड़ा सा कम करने से डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो गया, जो 2 का क्यूब अगर लेंगे तो वो 8 की बराबर ही होता है, 3 तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 और हमें पता है कि वो किसकी इक्वल, अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे 32 के इक्वल होते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है। थैंक यू।